नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शुरुआत मेरठ की खबर के साथ कर रहे हैं, जहां बीती रात दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर स्कॉर्पियो सवार नशे में धुत युवकों ने पुलिस को जमकर दौड़ाया। लगभग 20 किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने सड़क पर नाका लगाकर इनको गिरफ्तार किया। पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी है। इस मामले में टोल प्लाजा पर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में भी पुलिस और बदमाश की भाग दौड़ भरी तस्वीरें नजर आ रही हैं। दरअसल ये पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। टोल प्लाजा की ये तस्वीरें, जहां नशे में धुत कार सवार कार को लेकर भाग निकले और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो रफ्तार और तेज हो गई गाड़ी की, जिसके बाद पुलिस वालों ने भी इस गाड़ी के पीछे दौड़ लगा दी, जमकर गोलियां भी चली। ये देखिए तस्वीरें, लाल घेरे में पुलिस आपको नजर आ रही है जो गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए गाड़ी रुकती नहीं है और बड़ी ही आसानी से यहाँ से भाग निकलती है। हालांकि पुलिस ने तुरंत पीछा किया, नाकेबंदी की और इस गाड़ी को रोक लिया गया। गाड़ी सवार लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन नशे में धुत लड़कों की ये करतूत टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। टोल पर जब फायरिंग होने लगी, उसके बाद के हालात क्या हुए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरठ से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां टोल प्लाजा पर नशे में धुत लड़कों ने पुलिस को अपने पीछे दौड़ाया, जमकर फायरिंग हुई, गोलियां चली। हालांकि पुलिस को कामयाबी ज़रूर हाथ लगी और पीछा कर नाकेबंदी कर इस गाड़ी को रोक लिया गया। उन युवकों को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो टोल प्लाजा पर लाइव फायरिंग की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए लाल घेरे में पुलिस वाला रोकने की कोशिश करता है गाड़ी को और ये गाड़ी फिर कैसे फरार हो जाती है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगभग 20 किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने सड़क पर नाका लगाकर इनको गिरफ्तार किया। पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी है। इस मामले में टोल प्लाजा पर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में भी पुलिस और बदमाश की भागदौड़ भरी तस्वीरें नजर आ रही हैं। दरअसल ये पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। टोल प्लाजा की ये तस्वीरें, जहां नशे में धुत कार को लेकर भाग निकले और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो रफ्तार और तेज हो गई गाड़ी की, जिसके बाद पुलिस वालों ने भी इस गाड़ी के पीछे दौड़ लगा दी, जमकर गोलियां भी चली। ये देखिए तस्वीरें, लाल घेरे में पुलिस आपको नजर आ रही है जो गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए गाड़ी रुकती नहीं है और बड़ी ही आसानी से यहाँ से भाग निकलती है। हालांकि पुलिस ने तुरंत पीछा किया, नाकेबंदी की और इस गाड़ी को रोक लिया गया। गाड़ी सवार लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन नशे में धुत लड़कों की ये करतूत टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। टोल पर जब फायरिंग होने लगी, उसके बाद के हालात क्या हुए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरठ से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां टोल प्लाजा पर नशे में धुत लड़कों ने पुलिस को अपने पीछे दौड़ाया, जमकर फायरिंग हुई, गोलियां चली। हालांकि पुलिस को कामयाबी ज़रूर हाथ लगी और पीछा कर नाकेबंदी कर इस गाड़ी को रोक लिया गया। उन युवकों को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो टोल प्लाजा पर लाइव फायरिंग की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए लाल घेरे में पुलिस वाला रोकने की कोशिश करता है गाड़ी को और ये गाड़ी फिर कैसे फरार हो जाती है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं।